एल्विश यादव ने बाहर आते ही अभिषेक मल्हान पर किया पलटवार। क्या खत्म हो जाएगी ब्रोमेनशिप? बिग बॉस ओटीटी 2 का इतिहास बदल चुका है क्योंकि पहली बार कोई वाइट कार्ड कंटेस्टेंट सलमान खान के शो की ट्रॉफी अपने घर लेकर गया है। बीती रात बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले हुआ, जहां मनीषा रानी, एल्विश यादव और अभिषेक मल्हान के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। बिग बॉस ओटीटी 2 की ट्रॉफी के लिए इस फाइट में 26 साल के यूट्यूबर एल्विश यादव बाजी मार गए। बिग बॉस के घर में अभिषेक मल्हान की बातों को शांतिपूर्वक सुनने वाले एल्विश यादव ने बाहर आते ही उन पर पलटवार किया है और उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि दोस्ती के नाम पर कैसे को कंटेस्टेंट ने उनका दिल तोड़ा। बिग बॉस ओटीटी 2 की ट्रॉफी जीतने के बाद वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एल्विश यादव मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने वोट्स देने वाले फैंस का शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन अभिषेक की हरकत पर अपना गुस्सा भी एक्सप्रेस करने से एल्विश खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जिसमें बातचीत करते हुए अभिषेक मल्हान और फुकरा इंसान के बर्ताव पर अपना रिएक्शन जाहिर करते हुए एल्विश ने कहा, मैंने वो वीडियो देखी है। ये सुनना बहुत ही हर्टफुल है कि वाइल्ड कार्ड डिजर्विंग नहीं होता है। अगर डिजर्विंग नहीं होता तो फिर इस शो में होता ही नहीं। मैं इस शो में इसलिए नहीं आया था कि मैं इस शो को छोड़कर जाऊंगा, बल्कि कम्पीट करने के लिए ही आया था। एल्विश यादव ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, ये बात उसके मुंह से आई। जब अपने दोस्त के मुंह से ऐसी चीजें आती है तो सुनकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में हमेशा चिल रहता हूँ। कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया। एल्विश यादव ने ये भी कहा कि वो पहले ही सोच चुके थे कि वो बिग बॉस ओटीटी 2 की ट्रॉफी अभिषेक मल्हान के साथ शेयर करेंगे। ऐसा ही मत पर देखने को भी मिला। आपको बता दें कि गेम की स्टार्टिंग में घर में एल्विश अभिषेक के बीच रोमांसशिप देखने को मिली थी, लेकिन गेम के एंड आते आते जिस तरह का बर्ताव अभिषेक ने एल्विश के साथ किया वो फैंस को बिल्कुल भी रास नहीं आया था। पर आपका एल्विश यादव की अभिषेक के लिए कही इन बातों पर क्या कुछ है कहना, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।